यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आप लोगों को इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी रिविजन लेक्चर है वो सब आपको मिल चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका असेसमेंट प्रोसीजर सिर्फ ये असेसमेंट प्रोसीजर और उसके बाद आपको टीडीएस टीसीएस का रिवीजन लेक्चर मिलेगा टोटल रिवीजन लेक्चर आपके 12 हो जाएंगे और जो इन्होंने इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया है उनके लिए मैं मॉडल टैक्स कन्वेंशन ब्लैक मनी वाला वगैरह रिविजन लेक्चर है वो इस बार मैं डालने की कोशिश करूंगा और डाल दूंगा मार्च एंड तक ठीक है चलो सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर वाला टॉपिक और असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है ये कहीं पे नहीं दे रखा इस टॉपिक को हम एक काम करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले क्या करता है और उसके बाद हम सीखेंगे डिपार्टमेंट क्या करता है सबसे पहले एसएससी है सबसे सेक्शन ये बोलती है नॉर्मल रिटर्न सर रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है तो मैं बता दू कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है सर मान लो उस साल में उसने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं जैसे थर्टियथ

इनकम बट ग्रॉस टोटल इनकम भी बिफोर टेकिंगशन सेक्शन फोर फिफ्टी फोर बी फिफ्टी फोर डी फिफ्टी फोर 54g फिफ्टी फोर जी फिफ्टी एफ फिफ्टी 54 जीबी फोर वाली सीरीज की लेने से पहले वाला इनकम अगर बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो देखो बेटा मैंने क्या बोला कंपनी पार्टनरशिफॉर्म के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी अदर एस का अगर ग्रास टोटल इनकम बट बिफोर टेकिंग दिस एग्जेम्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी वाली सीरीज की एक्जामेशन लेने से पहले वाला इनकम अगर बेसिक एक्जेमशन से ज्यादा तो उनको रिटर्न

In तो फाइनेंशियस्ट इनिटीडी है या फिर मान लो माइक्रोसॉफ्ट के मेरे पास में शेयर है या इंडिया के बाहर कोई स्विटरलैंड की बैंक में, मेरा है मेरा अकाउंट और उसका साइनिंग ऑथोरिटी मेरे पास है तो उसमें रिटर्न फाइल करना मैंट्री है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला अगर कोई इंडिविजुअल है जो

तो देखो पहले तो मैंने क्या बोला कि अगर आप आर एंड ओ आर बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ एनी अट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेनिफिशियल ओनर को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है दूसरा पार्ट यह बोलता है कि जो बेनिफिशियरी है अगर वो आर एंड ओ आर है तो बेनिफिशियरी को भी अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है लेकिन एक चीज समझना अगर बेनिफिशियल ओनर इंडिया में रिटर्न फाइल कर देता है और इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर देता है तो उस केस में यहां पर बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है तो अगर बेनिफिशियल ओनर ने रिटर्न फाइल कर दिया उसने अपनी इनकम को इनकम में जोड़ दिया तो उस केस में बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना इस साल से निर्मला ताई ने और अमेंडमेंट किया और यहां इन्होंने बोला तीन लोग ऐसे हैं जिनको अपना रिटर्न फाइल करना और मैंडेटरी है सबसे पहला अगर मान लो आपका करंट अकाउंट है और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह के साथ में आपका जो करंट अकाउंट है उसमें पूरे साल में मिला के करोड़ से ज्यादा का डिपोजिट हो जाता है आपको अपना रिटर्न फाइल करना है या फिर आपने फॉरन ट्रेवल पे एक्सपेंडिस

पे खुद का फॉरेन ट्रेवल या किसी और के फॉरेन ट्रेवल पे टू लैख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और अगर आपने पूरे साल में मिला के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर वन करो वन लाख रुपए से ज्यादा इंकर किया है तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी अब एक और चीज समझना ड्यू डेट क्या रहती है रिटर्न फाइल करने की तो रिटर्न फाइल करने की ड्यूडे क्या रहती है जो सी डब्ल्यू वाले रहते हैं उनके लिए थर्टीएथ सेप्टेंबर सी डब्ल्यू का मतलब होता है सी का मतलब कंपनी डब्ल्यू का मतलब वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फॉर्म अकाउंट आर टू बी ऑडिटेड एंड तीसरा पर्सन रिक्वेड टू ऑडिट इट्स बुक्स ऑफ अंडर इनकम टैक्स और अंडर एनी अदर लॉ इनके लिए थर्टीएथ सेप्टेंबर ऑफ असमेंट इब्ल्यू ए सी का मतलब कंपनी डब्ल्यू का मतलब वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एंड अकाउंट आर फर्म्वायर टू बी ऑडिटेड और पर्सन रिक्वयर टू ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ उनके लिए क्या रहेगा आपका थर्टियथ सेप्टेंबर जिन लोगों पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगती उनके लिए थर्टी नवंबर और बेटा बाकी जो भी गरीब लोग अपने जैसे बचे उनके लिए थर्टी जुलाई उसके बाद एक सेक्शन आती है वन थर्टी नाइन दैट इज द बल्क रिटर्न ये बल्क रिटर्न ऑप्शनल होता है कि अगर चाहिए तो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय अपने रिटर्न एम्प्लॉयर को फाइल कर सकता है और एम्प्लॉयर क्या करेगा सब रिटर्न को एक साथ में हार्ड डिस्क में डाल के या सी डी डीवीडी में डाल के पेनड्राइव में डाल के सब रिटर्न को एक साथ ड्यू डेट से पहले पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल कर देगा दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड बल्क रिटर्न आजकल मार्केट में ज्यादा यह कंसेप्ट देखने को मिलता नहीं है वन थर्टी नाइन वन सी सेक्शन ये बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को रिटर्न फाइल करने से एक्जेम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जेम कर सकती है रिटर्न फाइल करने से और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन निकाल सकती है अभी एक नोटिफिकेशन आया दैट इज नोटिफिकेशन नंबर फिफ्टी फाइव टू थाउजेंड नाइनटीन एंड यह नोटिफिकेशन यह बोलता है कि अगर कोई आई में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है क्या बोला मैंने आई में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है और उसके जितने भी यूनिट होल्डर है ना वो सब यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है मैंने क्या बोला आईएफएससी में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है या फॉरन कंपनी है एंड इन्वेस्टमेंट फंड ने जो इनकम उसको बांटा यूनिट होल्डर को उस पर उन्होंने टीडीएस काट लिया है तो उस केस में जो भी वो यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर को अपना इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर यूनिट होल्डर की और कोई इनकम इंडिया से नहीं है तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि आई में

फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो देखो बेटा सेक्शन एटी ये बोलती है कि अगर आपको लॉस होता है अंडर द हेड ठीक अंडर देखो क्या बोला PGBP, capital gain, owning and maintaining resources. अगर मान लो वहां पे आपका क्या क्या होता होता है होता है तो ईयर का आपको up to the due date of filing फाइल करना पड़ेगा Otherwise, वो को आप क्या नहीं कर सकते ये आता है हो yes. आप आप यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बट आप चाहो तो सेट ऑफ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सेट करने को मिलेगा. अब एक और समझना, इस साल लॉस हुआ था इस साल का रिटर्न आपने टाइम फाइल नहीं किया

सर यहां पे आपने तीन लॉसेस की बात की पीजीबीपी कैपिटल गेन का लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेस वाला एक बात बता दू एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो भले आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो भी चलेगा अब एक और चीज समझना सर अगर रिटर्न मान लो टाइम पे फाइल नहीं कर दिया टाइम पे फाइल नहीं किया लॉसेस का केस था और मान लो जेनुअन रीजन था तो क्या इस डीले को कंडोन किया जा सकता है आंसर इज यस किया जा सकता है अगर मान लो जेनुअन रीजन था तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सीबीडीटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन करोगे तो हो सकता है आपके लॉसेस को वो कैरी फॉरवर्ड करवा सके जैसे मान लो जेनुअन रीजन के केस में आपको एप्लीकेशन किसको करना है सबसे पहले आपका जो रिटर्न लॉस है वो अप टू टेन लेख है तो आप सीआईटी पीसीआईटी को एप्लीकेशन करोगे अगर आपका रिटर्न लॉस है वो टेन लैख से ज्यादा है अप टू फिफ्टी लैक है तो आप सीसीआईटी पीसीआईटी को एप्लीकेशन करोगे और आपका लॉसेस है वो अगर पचास लाख से ज्यादा

और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एवर इज अर्लियर अब एक बात समझना कभी कभी क्या होता है आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो टाइम पे तो बहुत बार असेसिंग ऑफिसर क्या करता है 144 का जजमेंट असेसमेंट कर लेता है तो अगर उसने बेट जजमेंट असेसमेंट कर लिया तो ऑब्वियसली उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे तो मैंने क्या बोला वट इज द टाइम लिमिट फॉर द बी लेटेड रिटर्न बी लेटेड रिटर्न टाइम लिमिट इज

दस हजार या एक हजार का जो फीस लगता है वो फीस लग सकता है उसके केस में एक और समझना, अगर आपको रिफंड के अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया तो, तो इंटरेस्ट आपको बट अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो जिस दिन, आपने फाइल किया, उस दिन से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने क्या बोला टू ए का जो रिफंड का इंटरेस्ट रहता है इंटरेस्ट मिलता है अदरवाइज आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे उस डेट से आपको मिलेगा तो ये नॉर्मली आपके साथ चीजें हो सकती है और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो 80एसी सेक्शन ये बोलती है जो डिडक्शन होते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन करके ठीक है 80आईए वगैरह वो डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 1395 दैट इज द रिवाइज रिटर्न सर अगर पहले हमने रिटर्न फाइल कर दिया उसमें कुछ ओमिशन हो जाता है कुछ गलती हो जाती है कुछ मिस्टेक हो जाती है क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं आंसर इज यस आप उसको रिवाइज कर सकते हैं लेकिन रिवाइज करने का टाइम लिमिट क्या रहता है समझने की कोशिश करना अगर आपने रिटर्न पहले फाइल किया अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन में वन थर्टी थ्री में वन थर्ट नाइन फोर में वन थर्टी नाइन वन इज अ नॉर्मल रिटर्न वन थर्टी थ्री इज लॉस रिटर्न फोर इज अ अटरे रिटर्न अगर ये तीन रिटर्न है और अगर मान लो कोई भी ओमिशन मिल जाता है गलती मिल जाती है आप उसको रिवाइज कर सकते हो लेकिन रिवाइज करने का टाइम लिमिट क्या रहता है अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवरलियर मतलब जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट था वही यहां पे भी टाइम लिमिट लगेगा एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्यर अब एक और चीज समझना कि सर हम कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं आप एन नंबर ऑफ टाइम्स है वो रिवाइज कर सकते हो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटीमेशन मिल गई उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हैं आंसर इज यस आप इंटीमेशन मिल गई तो भी आप रिवाइज कर सकते हो अब एक और चीज समझना एक चीज समझना जब भी आप रिटर्न को रिवाइज करते हो ना देन रिवाइज रिटर्न विल रिप्लेस लाइक ओरिजिनल रिटर्न विल रिप्लेस बाय रिवाइज रिटर्न इन ऑल एस्पेक्ट मींस हर एस्पेक्ट में रिवाइज रिटर्न है वो ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगा एक्सेप्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न मींस डेट ऑफ ऑफ द फाइलिंग रिटर्न आपका ओरिजिनल वाला ही लिया

वन थर्टी नाइन फोर ये बोलती है कि जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं वो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जामेशन लेने से पहले वाला इनकम मीन इनकम बिफोर क्लेमिंग द अंडर सेक्शन एंड ट्वेल्व इलेवन का एक्जेमशन लेने से पहले वाला इनकम अगर इनका बेसिक एक्समशन से ज्यादा है तो इनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो मैंने क्या बोला बेटा कि जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको जो एक्जेपन लेते हैं इलेवन वो लेने से पहले वाला इनकम अगर इनका बेसिक एक्जामेशन से ज्यादा है तो इनको अपना रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना इनका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आता है थर्टीथ सेप्टेंबर

वेंचर कैपिटल कंपनी होती है, रिसर्च एसोसिएशन होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होते हैं है, है, है है, तो वेंचर है. यहां पर कौन कौन से नाम दे रखे मैंने सबसे पहले मैंने बोला हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड म्यूचुअल फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड रिसर्च एजेंसी ट्रेड यूनियन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एंप्लॉइज एंड देर डिपेंडेंट कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड ये जो लोग हैं इन लोगों को गवर्नमेंट ने सेक्शन टेन में एक्सेंशन दे रखी है तो भैया है तो एक्जेन लेने से पहले वाला इनकम बेसिक एक्सम्पन से, से ज्यादा है तो इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो तो पड़ेगा बट यहां पे एक चीज समझना अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसके टू थर्टी का फीस तो लगेगा ही लगेगा लेकिन यहाँ पे भी जैसे ट्रस्ट में जो होता है ना टू सेवेंटी टू ए कांड्रेड वाला वो पेनल्टी

उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उसके बाद 139 4ए ये बोलता है बिजनेस ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी और 139 4एफ बोलता है इन्वेस्टमेंट फंड को अपना रिटर्न फाइल करना है वो मैंडेटरी है यहाँ पे सेक्शन 115 यूबी है करके तो इन्वेस्टमेंट फंड जो है उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला समझने की कोशिश करना यहां पे 6 सेक्शन है जो इन रो है सबसे पहली 139 4ए चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को बिफोर क्लेम अंडर सेक्शन इलेवन टन लेने से पहले वाला इनकम अगर बेसिक से ज्यादा तो इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को अगर मान लो थर्टी ए का रिटर्न जो भी हॉस्पिटल होती है म्यूचुअल फंडोरिटाइजेशन ट्रस्ट है ट्रेड यूनियन एंड ऑल न्यूज एजेंसी एंड ऑल इनका अगर एग्जेमशन लेने से पहले वाला इनकम बेसिक एक्जाम से ज्यादा है तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो भी कॉलेज सेक्शन थर्टी में रजिस्टर्ड है अप्रूव है उनको अपना रिटर्न फाइल करना

डायरेक्टर करता है बट मैनेजिंग डायरेक्टर अगर नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर है वो भी कर सकता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर वो वेरीफाई करेगा और कंपनी की अगर मान लो

डबल इज रिलेटेड टू आधार नंबर ये सेक्शन क्या बोलती है, है कि अगर आप फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके बाद में फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके बाद में अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा मैंने क्या बोला फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके बाद में आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या अपना कोई भी रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें अपने को आधार नंबर लगाना पड़ेगा अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर का जो एक्नोलॉजमेंट आई डी रहता है वो डैश डैश वाला वो आपको लगाना पड़ेगा तो देखो बेटा मैंने क्या बोला जो पर्सन आधार लेने के लिए कॉम्पिटेंट है करके ठीक है अगर फर्स्ट जुलाई टू या उसके बाद में वो क्या करता है पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है या फर्स्ट जुलाई

क्वेश्चन ये आता है पेन नंबर के लिए अप्लाई किसको करना पड़ता है तो मैं बता दूं यहां पे टोटल पांच लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है पहला तो अगर किसी भी पर्सन का इनकम है वो बेसिक एक्समशन से ज्यादा है उसका खुद का या किसी और का जो उसके हाथ में क्लब होता है वो मिला के अगर इनकम ढाई लाख रुपए से ज्यादा है बेसिक एक्जन से ज्यादा है तो आपको पेन नंबर लेना पड़ेगा दूसरा अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो और आपका ग्रॉस टर्न या ग्रॉस रिसिट है वो पांच लाख से ज्यादा है अगर मान लो पांच लाख से ज्यादा हो जाता है आपका टर्न प्रीवियस ईयर में तो आपको पेन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तीसरा जो भी चैरिटी

थाउजेंड रुपीज या उससे ज्यादा का है तो उसको भी अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड मैं बता दू यहां पे पॉइंट नंबर में जो मैंने बोला कि कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करता और है है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे साल के मिला के पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके जो भी उसके जो भी डायरेक्टर रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर पार्टनर ट्रस्टी ऑथर फाउंडर करता सीईओ उनको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो देखो बेटा मैंने आपको बोला पांच लोग ऐसे जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है सबसे पहली चीज पैन कार्ड के लिए अप्लाई किसको करना जिसका इनकम बेसिक एक्जशन से ज्यादा है दूसरा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर मान लो आपका टर्नओवर है वो टर्नओवर या ग्रॉस रिसेट पांच लाख से ज्यादा है करके ठीक है तीसरा जो भी ट्रस्ट होते हैं वो चौथा कोई भी रेजिडेंट पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है है पूरे साल में फाइनेंशियल या उससे ज्यादा तो आपको 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 भैया क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जो ये फोर्थ में मैंने जो पर्सन बताए उनके जो भी लाइक एमडी है डायरेक्टर है करता एंड ऑल दैट थिंग तो उनको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अब क्वेश्चन ये आता है कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट क्या है तो देखो सबसे पहले जिसका

सारी जगह ऐसी है जहां पे आपको पैन को कोड करना पड़ता है जैसे आपको याद रहेगा बैंक में अपन पचास हजार रुपए से ज्यादा पड़ता है कोई भी अगर मोटर व्हीकल का आप सेल और, करते और मोटर व्हीकल जो है वो टू व्हीलर को छोड़ के कोई है, तो उसमें भी आपको पैन है वो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा तो आपको कहां कहां पैन का कॉपी लगाना पड़ता है आपको चाहिए रीड कर लेना चीज समझना इस साल से बोला पैन और आधार कार्ड है वो इंटरचेंजेबल रहेंगे बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पैन और आधार इंटरचेंजेबल

या आपको कहीं पे भी कुछ भी कुछ करते pen number लगाना है, pen को करना है, को करना आप उसकी जगह आधार नंबर लगा सकते हो लेकिन जैसे ही आपने आधार नंबर लगाया तो डिपार्टमेंट यह मान लेगा कि आपने पैन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है और डिपार्टमेंट आपको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन पैन कार्ड अलॉट कर देगा

जहां पैन कार्ड लगाना है वहां पे आप आधार कार्ड लगा सकते हो अगर आपने लिंक करवा दिया है तो अब एक चीज समझना इसी को लेके इन्होंने रूल नंबर वन वन फोर होता है उसमें भी अमेंडमेंट किया और उसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने दो पॉइंट लिखा सबसे पहला इन्होंने पॉइंट ये लिखा कि भैया सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये लिखा कि कहीं पे अगर मान लो पैन कार्ड लगाना था बट आपने आधार कार्ड लगा लिया है तो हम ये मान लेंगे हम ये मान लेंगे हम ये मान लेंगे हम ये मान लेंगे कि भैया आपने पैन के लिए एप्लीकेशन कर दिया और हम आपको डायरेक्टली पैन कार्ड है वो अलॉट कर देंगे उसके लिए आपको कोई भी सेपरेटली डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपके पास आधार ऑलरेडी है बट आपके पास पेन नहीं है तो आप पेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और भैया जैसे ही आप पेन के लिए अप्लाई करोगे जैसे ही आप पेन के लिए अप्लाई करोगे ऑनलाइन आपको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन पैन कार्ड है वो अलॉट

तो अगर कोई को, आ, कोई एंप्लॉई है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में एंप्लॉयी है तो तो वो टीआरपी नहीं बन सकता ठीक है लेकिन अगर वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो वो टीआरपी बन सकता है करके ठीक है उसके बाद सेक्शन वन थर्टी सी क्या बोलती है का मतलब क्या होता है है सीबीडीटी सीबीडीटी के पास पावर है. चाहे तो एनेक्चर मंगवा सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं है ऐसा रिटर्न मंगवा सकती है आज आप देखते हो जब भी अपन रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या अपन एटीसी का डिडक्शन एटीडी का डिडक्शन का सबूत साथ में डालते हैं आंसर इज नो कोई भी एविडेंस वगैरह अपन साथ में नहीं डालते हैं करके ठीक है लेकिन एक बात समझना सीबीडीटी ये बोलती है कि भैया ये पावर दे रखी है सीबीडीटी चाहिए तो ऐसे

रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी तुम्हारा टैक्स आता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अलॉन्ग विध फीस आपको पे करना पड़ेगा अब एक चीज समझना अगर कभी शॉर्ट पेमेंट हो जाता है मीन आपको पे करना था टू लाख रुपीज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फीस टू लाख पे करना था बट आपने अगर शॉर्ट पेमेंट कर दिया सो शॉर्ट पेमेंट किया तो फर्स्ट इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फीस मतलब पहला प्रायोरिटी फीस को जाएगा दूसरा इंटरेस्ट को जाएगा और तीसरा टैक्स को जाएगा जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल आपका सपोज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का टैक्स था उसमें टेन थाउजेंड का इंटरेस्ट था एंड फाइव थाउजेंड का फीस था और आपने वन लेख ही पे किया तो वन लेख में से फर्स्ट फाइव थाउजेंड फीस जाएगा सेकंड टेन थाउजेंड है वो इंटरेस्ट जाएगा एंड थर्ड रिमेनिंग एटी फाइव थाउजेंड है वो आपका टैक्सेस का पेमेंट होगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस सो यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है कि एस एस सी क्या करता है अब हम चालू करेंगे डिपार्टमेंट क्या करता है यस पीपल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिपार्टमेंट क्या करता है डिपार्टमेंट आपके मजे कैसे लेता है सबसे पहली सेक्शन वन फोर्टी और इसको मैं हमेशा बोलता हूं रिया वाला सेक्शन दैट इज आर फॉर रिटर्न आई फॉर इंफॉर्मेशन ए फॉर अकाउंट तो देखो रिया वाला सेक्शन 142.1 का दो वन फोर्टी टू वन 142.12 142.11 142 ये बोलता है कि डिपार्टमेंट चाहे तो आपसे रिटर्न मंगवा सकता है अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो कभी भी डिपार्टमेंट चाहे तो आपसे रिटर्न मंगवा सकता है रिटर्न मंगवाने के लिए वो 142.11 का नोटिस भेजते हैं उसके बाद एक सेक्शन होता है 142.12 दैट इज रिलेटेड टू कि अगर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवानी है अकाउंट्स मंगवाने हैं तो, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपसे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है क्वेश्चन ये आता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ वही वाली जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अस्सेट्स

का पेनल्टी भी लग सकता है स्पेशल ऑडिट अब एक बार समझना ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास में आपका असेसमेंट पेंडिंग है

एक चार्टेड अकाउंटेंट करेगा लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट को क्लाइंट नॉमिनेट नहीं करेगा इट विल बी नॉमिनेटेड बाय द सीआईटी सीसीआईटी जो सीआईटी सीसीआईटी रहते हैं वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन सा सीए है वो ऑडिट करेगा अब एक चीज समझना है स्पेशल ऑडिट कितने टाइम में करनी चाहिए स्पेशल ऑडिट के लिए वो टाइम देगा एक और टाइम देगा नोटिस में लिख के देगा कि आपको स्पेशल ऑडिट 60 डेज में करवानी है या 30 डेज 50 डेज एंड वट करके टाइम बट ध्यान रखना ये क्या एक्सटेंशन हो सकता है आंसर इज यस एक्सटेंशन असेसिंग ऑफिसर ओन मोशन कर सकता है असेसिंग भी एप्लीकेशन कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एप्लीकेशन कर सकता है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए अब एक चीज समझना एक्सटेंशन मिल सकता है लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल टाइम प्लस एक्सटेंडेड टाइम कभी भी वन डेज से ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम टाइम है वो वन डेज है वो वन डेज हो सकता है अब एक और चीज समझना स्पेशल ऑडिट क्वेश्चन ही आता है कि सर मान लो टैक्स ऑडिट कंपनीज ऑडिट पहले हो

तो उस केस में क्या होगा अगर एस कॉपरेट नहीं करता है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा उसका एज वेल एज टू सेवेंटी अगर कॉपरेट नहीं करता है वो पेनल्टी लगा सकता है अब एक बात समझना जब भी स्पेशल ऑडिट होगी तो स्पेशल ऑडिट के बाद में जो रिपोर्ट रहेगा चार्टेड अकाउंटेंट वोसी को देगा और रिपोर्ट है वो AO को करेगा. अब एओ क्या करेगा? वो डायरेक्ट जो भी स्पेशल ऑडिट में फाइंडिंग निकली है अगर उस फाइंडिंग का अगर असेसमेंट पे इफेक्ट दे रहा

एंड ऑफ देंस मेड बाय किया था ऑफिसर को सेंड कर देगा अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है अदरवाइज उसको इग्नोर भी कर सकता है

Incorrect claim होता। या 54 EC है या फिफ्टी फोर ईसी में फिफ्टी लाख से ज्यादा का डिडक्शन लेप्रिएशन परसेंट की जगह आपने 20 का ले लिया या हाउस प्रॉपर्टी में थर्टी परसेंट की जगह आपने 40 का डिडक्शन लेट इज तो इसको सुधार दिया जाता है तो देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं सबसे पहला अगर आपका एरर है दूसरा इनकरेक्ट क्लेम है तीसरा एक चीज समझना अगर मान लो आपने किसी ईयर का लेट रिटर्न फाइल किया था जैसे मान लो लास्ट ईयर का आपने लेट रिटर्न फाइल किया था तो जो भी लॉसेज लास्ट ईयर के थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे लोग क्या करते थे तो भी वो लॉसेज लेकर इस साल सेट ऑफ मार देते थे, थे तो वो क्या कर देंगे डिसअलाउड कर देंगे तो यहां पर क्या बोला कि अगर मान लो जिस ईयर का रिटर्न आपने लेट फाइल किया था उस ईयर के अगर कोई लॉसेस है वो आपने इस बार सेट ऑफ मार दिया तो हम उसको क्या कर देंगे डिसअलाउड कर देंगे एक और चीज समझना अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया और अगर आपने टेन डबल का एटी ए का एटी आई बी का एटी का एटी का एटी का डिडक्शन लिया है तो वो डिडक्शन को हम डिस कर देंगे अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया और आपने एटी आई ए आई टी आई का कोई डिडक्शन है तो उसको क्या कर देंगे डिस कर देंगे उसके बाद मैं एक और चीज समझता हूं कोई खर्चा है वो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउड हुआ है लेकिन आपने अपने रिटर्न में डिसअलाउड नहीं किया तो डिपार्टमेंट उसको इंटीमेशन में डिसअलाउड कर देगा तो देखो बेटा इंटीमेशन में क्या होता है पांच तरह के चेंजेस होते हैं पहला तो एरर दूसरा इनकरेक्ट क्लेम तीसरा मैंने क्या बोला अगर किसी भी ईयर का लॉस था और उस ईयर का रिटर्न आपने लेट फाइल किया था वो लॉसेस अगर आपने इस बार डाल दिए करके सेट ऑफ ले लिया तो उसको डिसअलाउड कर देंगे दूसरा अगर आप एटीआई एटीआईसी एटीआईडी एटीआईई तो हम इस डिडक्शन को हटा देंगे और अगर कोई भी खर्चाउट किया था और आपने में नहीं किया, तो हम उसको क्या कर देंगे डिसलाउट कर देंगे अब एक और चीज समझना जब भी ये चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद आपको एक बार इंटीमेट किया जाएगा ऑनलाइन आपको पता है पॉपअप निकलता है इंटीमेट करता है एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला करके ठीक है आपको एक बार इंटीमेट किया जाएगा और इंटीमेट किया जाएगा आपको थर्टी डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा कि अगर आपको उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो थर्टी डेज के बाद में आपको फिर फाइनल इंटीमेशन भेज दी जाएगी और फाइनल इंटीमेशन कब तक मिलती है बताए फाइनल इंटीमेशन हैज टू बी बेंड विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल मतलब जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर आपको फाइनल इंटीमेशन है वो फाइनल इंटीमेशन आपको सेंड कर दी जाती है अब एक और चीज समझना क्वेश्चन आता है इंटीमेशन क्या हर केस में आएगी आंसर इस देखो लॉ तो बोलता है कि जब भी आपका कोई रिफंड है डिमांड है या फिर आपका कोई कंप्यूटेशन चेंज हुआ है तो इंटीमेशन आती है बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो हंड्रेड परसेंट केसेज में इंटीमेशन आती है अगर आपको इंटीमेशन नहीं आती है तो जो भी एक्नोलेजमेंट था एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टाइम पर जो एक्नोलेजमेंट जनरेट हुआ था वो तुम्हारा डीम टू भी इंटीमेशन है वो मान लिया जाएगा मिस एक्नोलेजमेंट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल बी ट्रीट एज डीम टू बी एन इंटिमेशन अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ चुका है

स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट 1433 में होता है और स्क्रूटनी का नोटिस है वो 1432 में जाता है अब एक चीज समझना अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपको स्क्रूटनी करना है कि लोगों का जो स्क्रूटनी है वो किया जाएगा। अब एक चीज समझना स्क्रूटनी के लिए आपको नोटिस भेजा जाता है वन ये नोटिस कब तक आपको मिलेगा तो दिस नोटिस बी सर्व विद्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपको

लाइक आप जो भी एविडेंसेस वगैरह जो आप रिटर्न पे रिलाई करते हो वो वाले डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है वो असेसिंग ऑफिसर को ले जाके देते हो अगर असेसिंग ऑफिसर को स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन या अकाउंट्स मंगवाता है जैसा 142 फोर्टी टू वन टू में दे रखा था वो वाला वो वाला नोटिस भी साथ में भेजते आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब लेके जाओगे और उसके बाद सब चेक करने के बाद असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा अंडर सेक्शन वन फोर्टी और 1433 का असेसमेंट है वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा और जो भी आपका अगर कोई टैक्स रिफंड बनता है तो रिफंड देगा और अगर मान लो कोई टैक्स पेबल आता है तो वो डिमांड नोटिस है वो जनरेट करेगा अब एक और चीज समझना ये पहली ऐसी सेक्शन है असेसमेंट की जिसमें आपको रिफंड भी मिल सकता है सेक्शन में ये में में असेसमेंट असेसमेंट आपको 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 रिफंड 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 मिल सकता है है बाकी कोई भी में आपको है, वो आपको नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने जैसी है कि जब भी ये असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है जैसे सीए इंस्टीट्यूट का असेसमेंट कर रहा है तो सीए इंस्टीट्यूट को एक एक्सम्शन मिलती है टेन ट्वेंटी थ्री ए की फॉर एन एक्साम्पल और वो एक्जेम्पन मिलती है वो कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ में मिलती है, करके, ठीक है? तो कुछ इंस्टीट्यूशन ट्रेड यूनियंस वगैरह को जो टेन ट्वेंटी थ्री सी वगैरह एग्जामेशन मिलती है अब एक चीज समझना अगर मान लो उन्होंने वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो क्या नहीं किया तो क्या असेसिंग ऑफिसर सीधा एग्जामेशन विद्रॉ कर देगा आंसर इज नो no. असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा पहले वो प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा अबाउट द वायलेशन ऑफ द कंडीशन और उनके नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा अगर उनका नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन में बोला है कि एक्जामेशन को विड्रॉ कर दो तो ही एक्जामेशन विद्रॉ करेंगे अदरवाइज वो एग्जामेशन को कंटिन्यू करेंगे उसके बाद सेक्शन वन फोर्टी थ्री थ्री सी ये बोलता है भैया अब से आपका ई e असेसमेंट होगा करके ठीक है अब से जो है वो आपका में बता चुका हूं, तो आप देखना e का प्रोसीजर, में मैंने बता रखा है कि e होगा, उसके e उसमें वेरिफिकेशन यूनिट होगी रिव्यू यूनिट होगी टेक्निकल वो कैसे कैसे प्रोसीजर चलेगा वो सब आपका प्रोसीजर है वो मैंने इस बुक के एंड में दे रखा है तो आप उसको जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन इज अट जजमेंट असेसमेंट इसको अपन एक्सपार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं लॉमेकर्स बोलते हैं कि ये असेसमेंट तब होता है जब आप डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो अगर आप चार में से कोई भी गलती कर लेते हो अगर आप चार में से कोई भी मिस्टेक करते हो तो उस केस में आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है सबसे पहला अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया वाला नोटिस भेजा था वन फोर्टी का उसका कंप्लाई नहीं किया या आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था उसका कंप्लाई नहीं किया था उसका आपने कंप्लाई नहीं किया तो मैंने क्या बोला रिटर्न फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन वन थर्टी वन वन थर्टी नाइन फोर

वो 144 का आपको एक बार शो शोकोज नोटिस भेजेंगे और शो शोकोज नोटिस में ऐसा लिखेंगे कि आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था आप डिपार्टमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो क्यों ना हम आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर दे तो आपको एक बार शो शोकोज नोटिस है वो शो शोकोज नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद बैच जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा लेकिन अगर आपको पहले ऑलरेडी वन फोर्टी टू वन का नोटिस भेज चुके हैं अगर ऑलरेडी आपको वन फोर्टी टू वन का नोटिस भेज चुके हैं तो उस केस में आपको शो शोकोज नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है वो डायरेक्टली बैच जजमेंट असेसमेंट है वो बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं अब एक और चीज समझना सर एक बात बताओ यहां बेट जजमेंट असेसमेंट पार्टी असेसमेंट करेगा तो क्या वो एडॉक बेसिस पे लेगा? कर लेगा ऐसा करेगा बक्कड़ वो अक्ट पूरा तुम्हारी इनकम दस करोड़ इट्स नॉट लाइक दैट जब भी वो असेसमेंट करेगा वो रैशनल बेसिस पे करेगा, बेसिस पे करेगा 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 साइंटिफिक बेसिस करके ठीक है वो क्या करेगा? लास्ट ईयर का आपका या जीएसटी डिपार्टमेंट से जो चीजें उसको मिलती है वगैरह ऑनली साइंटिफिक रैशनल बेसिस पे आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा वो कभी भी एडॉक बेसिस पे नहीं करेगा वो आपका असेसमेंट एडॉक बेसिस पे नहीं करता साइंटिफिक रैशनल बेसिस पे आपका असेसमेंट है वो कंप्लीट करेगा अब एक और चीज समझना सर

मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपका असेसमेंट है वो असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है अब एक और चीज है यहां पे एक और चीज यहां पे समझना ये टाइम लिमिट जो है ये असेसमेंट इयर 1920 से चेंज हुआ है 1920 से 12 मंथ हुआ है उससे पहले एटीन असेसमेंट ईयर के लिए 18 मंथ था और उससे पहले 17 -18 assessment year या, उससे पहले पहले असेसमेंट ईयर या ये 21 का मंथ का टाइम लिमिट हुआ करता था बट आप अभी 12 मंथ है वो याद रखो तो आपके एग्जाम के लिए 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है 144 ए दैट इज पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू द डायरेक्शन अब एक चीज समझना

अगर जेसी जो भी डायरेक्शन दे रखा है वो दे रहा है वो अगर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एस एससी के लिए हार्मफुल है तो एक बार हार्मी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा उसके बाद ही वो डायरेक्शन देगा अब एक और चीज समझना जेसी के जो भी डायरेक्शन रहेंगे क्या वो एसीडीसी में बाइंडिंग होंगे यानी आंसर इज यस बाइंडिंग होंगे बिकॉज सीनियर ऑफिसर के डायरेक्शन है तो वो ऑब्वियसली बाइंडिंग होने वाले है अब एक और कंसेप्ट आता है वन में दैट इज द रेफरेंस टू द डिस्प्यूट रिजोल्यून पैनल अब एक चीज समझना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वाला कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है दो लोगों का या तो किसी फॉरेन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है मीन एओ जो है वो एओ किसी फॉरेन कंपनी का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है और उस फॉरेन कंपनी का असेसमेंट कंप्लीट करते टाइम उसकी जो इनकम है वो इनकम को बढ़ा रहा है या लॉसेस को कम कर रहा है मीन कुछ ना कुछ हार्मफुल कर रहा है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है उसकी इनकम को बढ़ा रहा है या लॉसेस को कम कर रहा है या फिर किसी एनी अदर पर्सन का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है जिसका केस है वो मान लो टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था किसी एनी अदर एस का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है जिसका केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से या तो इनकम बढ़ रही है या फिर लॉसेस कम हो रहे हैं तो देखो बेटा दो लोग या तो फॉरेन कंपनी का असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है जिसका इनकम बढ़ रहा है या लॉसेस कम हो रहा है या एनी अदर पर्सन का केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से इनकम बढ़ रही है लॉसेस कम हो रहे हैं तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर असएससी को पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा और पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा और ड्राफ्ट ऑर्डर जिस दिन को रिसीव होता है डेज के अंदर अंदर चाहे तो एक्सेप्टेंस दे सकता है या फिर ऑब्जेक्शन कर सकता है थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर अब एक बात समझना अगर मान लो एस ने एक्सेप्टेंस दे दिया एस ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो भैया जिस मंथ में एक्सेप्टेंस मिला एओ को या जिस मंथ में वो थर्टी डेज एक्सपायर हुए उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर एओ क्या करेगा फाइनल ऑर्डर पास कर देगा लेकिन मान लो एस ने ऑब्जेक्शन किया तो ऑब्जेक्शन किसको करना पड़ेगा एक तो एओ को एज वेल एज एक डीआरपी को दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में तीन सीआईटी का टीम रहता है तीन सीआईटी का टीम रहता है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बनाता है अब एक चीज समझना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में अगर ऑब्जेक्शन जाता है थर्टी डेज के अंदर अंदर जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव हुआ उससे थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको एओ को ऑब्जेक्ट करना है एज वेल आपको डीआरपी को मैं ऑब्जेक्शन सबमिट करता है अब डीआरपी क्या करेगा डीआरपी हर चीज को देखेगा डीआरपी है वो ड्राफ्ट ऑर्डर को देखेगा और ड्राफ्ट ऑर्डर को देखने के साथ साथ वो और भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा किससे एसएससी से से एओ सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद डीआरपी है वो अपने डायरेक्शन देगा विद इन इन मंथ 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 फ्रॉम द द एंड ऑफ ड्राफ्ट ड्राफ्ट ऑर्डर ऑर्डर वाज फॉरवर्डेड जिस में फॉरवर्ड हुआ था उस मंथ के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर वो एओ को डायरेक्शन देगा कि ऐसे तुझे असेसमेंट कंप्लीट करना है अब एक चीज समझना डीआरपी जो है वो डीआरपी जो भी एओ ने एडजस्टमेंट किए है वो एडजस्टमेंट को कंफर्म कर सकता है रिड्यूस कर सकता है एज वेल एज एनहांस भी कर सकता है अब एक चीज

सेक्शन होती है 145 फोटी सबसेक्शन वन ये बोलती है कि भैया आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा फॉलो करना है तो देखो बेटा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन में मेथड की जरूरत नहीं होती बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ और एवर इज अर्लियर हाउस प्रॉपर्टी भैया अक्रूड बेसिस पर टैक्सेबल हो जाती है बिकॉज रेंट रिस और रिसीवेबल लेते हैं करके ठीक है कैपिटल गेन विल भी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस दो हेड के लिए आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है एक तो पीजीबीपी और आई एस और यहां पे सेक्शन वन फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन ये बोलती है कि पीजीबीपी और आएफओएस के लिए आपको कैश या मर्केंटाइल कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो आप लोग है वो कैश या मर्केंटाइल दोनों में से जो आपको चाहे वो वाली मेथड आप फॉलो कर सकते हो करके ठीक है अब एक और चीज समझना सेक्शन 145 सब सेक्शन टू बोलती है आईसीडीएस से रिलेटेड ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो accrual means. अगर आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो तो पीजीबीपी एंड आई के लिए आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना इंडिविजुअल एच पे आईसीडीएस नहीं लगेगा लेकिन इंडिविजुअल की अगर ऑडिट होती है तो उस पर आईसीडीएस है वो आईसीडीएस लग जाएगा आईसीडीएस कितने टोटल टेन आईसीडीएस है जो आपको फॉलो

चीज समझना आप लोग सेक्शन 145 थ्री ये बोलती है कि तीन केस में असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसे असेसमेंट कर सकता है थ्री केसेस इन दिस थ्री केसेस अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसे असेसमेंट कर सकता है ये कौन कौन से तीन केसेस पहली चीज अगर मान लो अफिस है वो देखता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट नहीं है करेट नहीं है उसके या फिर आपने आईसीडीएस फॉलो नहीं किया मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि आपका बेस्ट जजमेंट असेमेंट जैसे असेसमेंट कर सकता है अब एक और चीज समझना नेक्स्ट सेक्शन इज 145 फोर्टी फाइव ए दैट इज रिलेटेड टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस अब एक बात समझना यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी स्टॉक का वैल्यूशन कैसे करोगे आप जो इन्वेंट्री रहती है वो इन्वेंट्री का स्टॉक का वैल्यूशन कैसे करोगे तो मैं बता दू तो, स्टॉक का वैल्यूशन कॉस्ट और एनआरबीज लोअर जो थर्टी फर्स्ट मार्च को एनआरबी रहता है lower, जैसा आप अकाउंट में भी करते हो लेकिन यहां पर एक चीज समझना अगर सिक्योरिटी है आपके स्टॉक में अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का वैल्यूशन कैसे करोगे दो तरह की सिक्योरिटी एक तो सिक्योरिटी जो लिस्टेड एंड कोटेड है

लेना है कैटेगरी है मतलब इक्विटी शेयर तो जितने इक्विटी शेयर है सबकी कॉस्ट ऐड करो सबकी एनआरबी ऐड करो और फिर उसको कंपेयर करो मीन टोटल कैटेगरी का कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर है वो आपको लेने का है अब एक और चीज समझना जब भी आप कोई भी स्टॉक की बात करते हो परचेज की बात करते हो सेल्स की बात करते हो ऑलवेज आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लेना है

के तीन केसेस ऐसे हैं जो स्पेशल इनकम से रिलेटेड बात करते हैं सबसे पहला अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वाइड कर लेती है तो उसपे जो कंपनसेशन मिलता है और कंपनसेशन अगर लेट मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है

एफआर में आप लोग क्या करते हो गवर्नमेंट ग्रांट इस टैक्सेबल गवर्नमेंट ग्रांट इस टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच कंडीशन अटैच टू दैट ग्रांट इज सेटिस्फाइड ग्रांट तब भी आप टैक्सेबल नहीं करतेबल करते हो बट हम इनकम नहीं करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट आपको पहले रिसीव हो चुका है तो, तो भैया जिस इयर में रिसीव हुआ उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा भले कंडीशन सेटिस तो इन सिंपल वर्ड इनकम टैक्स में गवर्मेंट ग्रांट विल बी टैक्स इन दर इन विच इट इज रिस और अक्रूव

इसमें क्या होता है अगर आपकी इनकम एस्केप हो गई है पहले ठीक है और इनकम एस्केप हो गई है मतलब इनकम एस्केपिंग का मतलब ऐसी इनकम जो छूट गई है असेसमेंट होने से तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि असेसिंग ऑफिसर 147 में आपका केस खोल सकता है यहां पे ये 147 पहली बार भी हो सकता है या फिर मान लो पहले कोई असेसमेंट हो चुका है तो भी 147 हो सेवन हो सकता है एक दो बार असेसमेंट हो चुका है तो भी 147 हो सकता है अगर उसके लिए टाइम परमिट करता है और अगर मान लो यहां पे इनकम एस्केपिंग हो गई है तो 147 हो सकता है अब एक चीज समझना 147 कब होता है जब असेसिंग ऑफिसर है इज हैविंग रीजन टू बिलीव दैट आपकी इनकम एस्केप हो गई है अब यहां पे रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन है स्ट्रॉग एविडेंस है जिसके असेसमेंट तो में आपका सुप्रीम तो कोर्ट का लेटर जजमेंट आ जाता है और उसके बेसिस पे पता चलता है आपकी इनकम एस्केप हुई है या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ हो जाता है या फिर मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है तो वो भी तुम्हारे रीजन टू बिलीव में आ जाएगा अब एक और चीज समझना जब भी रीजन टू बिलीव होता है तो सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर वो रीजन को रिकॉर्ड करता है क्या करता है रीजन को रिकॉर्ड करता है और रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको 148 का एक नोटिस आता है और 148 के नोटिस में ये बोला जाता है कि असेसिंग ऑफिसर इज हैविंग द रीजन टू तो बिलीव दैट कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है आप प्लीज उस ईयर का रिटर्न फाइल करो तो आपको उस ईयर का रिटर्न फाइल करना पड़ता है करके 148 के रिस्पांस में क्वेश्चन ही आता है कि जब भी 148 का नोटिस आएगा तो क्या उसके साथ में आपको रीजन का कॉपी मिलेगा आंसर इज नो आपको रीजन का कॉपी नहीं मिलेगा लेकिन जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर देते हो जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर देते हो उसके बाद में आपको रीजन का कॉपी चाहिए तो आपको मिलेगा सो असेसी कैन डिमांड द रीजन का कॉपी एंड असेसिंग ऑफिसर काउंड टू सप्लाई द रीजन का कॉपी रीजन का कॉपी आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन एट यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक चीज समझना अगर रीजन आपको मिल जाता है और रीजन को लेकर अगर आपको लगता है कि रीजन इनवैलिड है है करके ठीक मिस रूमर्स के बेसिस

और वो रीजन रिकॉर्ड किया उसके पास 147 चालू हो गया और वो रीजन इनवैलिड हो गया बट अदर इनकम मिल गई रीजन जो था जिसके बेसिस पे असेसमेंट चालू किया था वो रीजन वाले पार्ट पे कुछ एडिशन नहीं हुआ बट अदर इनकम है उसको इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेवन कंप्लीट हो सकता है या फिर वो उसको वापस वापस से से 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा फ्रेश रीजन है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ समझना मैं जो एक्साम्पल दे रहा हूं कि जिस बेसिस पे उसने असेसमेंट चालू किया था उस पॉइंट पर कुछ एडिशन हो ही नहीं रहा है बट अदर इनकम कुछ उसको मिल गई तो क्वेश्चन ये आता है क्या वो वन कर सकता है नहीं तो उसको लेकर दो की जजमेंट है जो जेट एरिविज एंड रेनपेक्सी

सकता है अब एक और चीज समझना कुछ चीजें ऐसी है होती है जो डीम टू बी इनकम एस्केपिंग का केस बन जाएगा सबसे पहले अगर मान लो आपने आपकी इनकम बेसिक एग्जंपशन से ज्यादा है और आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया बेसिक एग्जंपशन से ज्यादा इनकम है आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो ये डीम टू बी रीजन टू बिलीव माना जाएगा या फिर असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी जो

जब भी असेसिंग ऑफिसर 147 करता है तो 147 कर सकता है लेकिन एक चीज समझना मान लो उस ईयर का असेसमेंट ऑर्डर को लेके आप आगे अपील में जा चुके हो तो आगे अपील में जा चुके हो, जैसे लो चार मैटर हो, हो तो क्वेश्चन उस साल का 147 हो सकता है लेकिन वो वो वाले मैटर को नहीं छेड़ सकता जो ऑलरेडी अपील रिविजन रेफरेंस में जा चुके हैं उन मैटर को छोड़ के बाकी वाले मैटर पर अगर एओ चाहे तो वन कर सकता है इट इज कॉल प्रिंसिपल ऑफ द पार्शियल मर्जर और डॉक्ट्राइन ऑफ द पार्शियल मर्जर अब एक और चीज समझना मैंने बोला रीजन टू बिलीव है तो ही 147 हो सकता है रीजन टू बिलीव का मतलब स्ट्रॉग रीजन होना चाहिए अगर एओ का चेंज इन ओपिनियन हो जाता है बैठे बैठे ओपिनियन चेंज हो जाता है पहले उसने कुछ खर्चा है वो अलाउ कर दिया था थोड़े दिन बाद लगता है कि नहीं, नहीं चाहिए तो क्या रीजन टू बिलीव बनेगा पे no. वन वो सेवन आपका नहीं हो सकता है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया और डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने की वजह से मान लो किसी का टर्न बढ़ तो ओवर बढ़ना रीजन टू बिलीव माना जाएगा पहले तुम्हारी इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज रीजन टू बिलीव ये रीज़न टू बिलीव नहीं माना जाए अब एक और चीज समझना 147 का असेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को 148 का नोटिस है वो सर्व करवाना पड़ेगा 148 का नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा करके ठीक है और सर्व करवाना पड़ेगा उसके रिस्पांस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के बाद आप अगर मान लो रीजन मांगोगे तो आपको रीजन है वो रीजन सप्लाई किए जाएंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि 148 का नोटिस कब तक इशू हो सकता है देखो 148 का नोटिस सर्व तो करवाना पड़ेगा लेकिन टाइम लिमिट दे रखी है इशू करने की कि 148 का नोटिस कब तक इशू हो, तो हो सकता है तो मैं बता दून 148 का नोटिस इशू करने का नॉर्मल टाइम लिमिट इज फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिस ईयर का इनकम एस्केपिंग है उस ईयर के एंड से मीन उस असेसमेंट ईयर के एंड से फोर ईयर के अंदर अंदर यह नोटिस इशू हो सकता है टाइम लिमिट इशू का दे रखा है

यहां पे एक और चीज समझना तीन इस टाइम लिमिट के एक्सेप्शन है तीन केसेस है है वो इस टाइम लिमिट के के एक्सेप्शन पहला अगर मान लो नोटिस किसी नॉन रेजिडेंट एजेंट को भेजा जा रहा है नॉन रेजिडेंट के एजेंट को नोटिस भेजा जा रहा है तो ओनली सिक्स ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खुद नॉन रेजिडेंट को भेज रहे हो तो फोर ईयर सिक्सटीन ईयर बट नॉन रेजिडेंट के एजेंट को भेज रहे तो मैक्सिमम सिक्स ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब एक और चीज समझना बेटा एक और चीज समझना ये नोटिस भेजने से पहले आपको हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर है वो नोटिस भेज सकता है बट नोटिस भेजने से पहले उसको हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा समझना अगर नोटिस फोर ईयर के अंदर अंदर भेज रहे नोटिस फोर ईयर के अंदर अंदर भेज रहे अगर वो

मैं आपको जो बोल रहा था कि टाइम लिमिट के एक्सेप्शन नॉर्मल टाइम लिमिट फोर इक्स ईयर सिक्स इयर बट उसके कुछ एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन मैंने बताया कि एनआर के एजेंट को भेजा तो कब तक भेज सकते हैं सिक्स ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब दूसरा एक्सेप्शन दूसरा एक्सेप्शन यह बोलता है कि अगर एओ की गलती की वजह से इनकम स्केपिंग हुई एओ की गलती की वजह से इनकम स्केपिंग हुई तो मैक्सिमम फोर ईयर तक ही नोटिस भेज सकते हैं एओ की गलती यहां पे क्या लिखा हुआ है इस पार्ट में देखना बेटा एक फर्स्ट प्रोवाइजो होता है सेक्शन 147 का वो ये बोलता है कि अगर आपका पहले असेसमेंट हो चुका है एक बार 143.3 या 147 में 143.3 इज स्क्रूटनी 147 इज इनकम एस्केपिंग अगर आपका पहले 143.3 या 147 में असेसमेंट हो चुका है और असेसमेंट हुआ था आपसे जो रिटर्न फाइल करने को बोला था और आपने हर चीज ट्रूली की थी और उसके बाद भी आपकी इनकम एस्केप हो गई उसके बाद भी यहां पे इनकम एस्केप हो गई तो उस केस में आपको मैक्सिमम फोर इयर्स तक की नोटिस है वो इश्यू हो सकता है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला सबसे पहले आपका असेसमेंट हो चुका है पहले वन फोर्टी थ्री में या 143.3 या 147 में असेसमेंट हो चुका है एंड आपसे जब रिटर्न मंगवाया था आपने रिटर्न फाइल किया था और आपने हर चीज ट्रूली फुल्ली हो गई कर दी थी और उसके बाद भी आपकी इनकम एस्केप हो गई ये एक ही केस में हो सकता है जब एओ का गलती है तो उस केस में मैक्सिमम आपको फोर इयर्स तक नोटिस है वो इशू हो सकता है लेकिन एक चीज समझना अगर फॉरन असेट से रिलेटेड इनकम एस्केपिंग है तो तो सोलह साल तक नोटिस इशू हो सकता है भले एओ का गलती है मीन ये फोर ईयर वाला टाइम लिमिट है वो इस पर नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट एक सेक्शन होती है 150, 150 क्या बोलती है? तक सकते है. 50 साल बाद भी अगर किसी और एस का किसी और एस का मान लो मेरी वाइफ का मेरी वाइफ का असेसमेंट हुआ था और वो असेसमेंट के बाद मेरी वाइफ का केस है वो सीआईटी अपील आई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर लॉ में कहीं था है? कहीं पे मतलब जजमेंट आया कहीं कोर्ट में था और कोर्ट का आज जजमेंट आ गया और वो जजमेंट के फाइंडिंग और डायरेक्शन की वजह से अगर पता चलता है कि बीबी सर की इनकम एस्केप हुई है तो बीबी सर का केस कभी भी खुल सकता है उसके लिए अनलिमिटेड टाइम लिमिट मिलेगा तो देखो बेटा मैंने क्या बोला मेरी वाइफ का एक असेसमेंट हुआ था और मेरी वाइफ का केस सीआईटी अपील सुप्रीम कोर्ट में था और उसका जजमेंट आया और वो जजमेंट के बेसिस पे पता चलता है कि बीबी सर की इनकम स्केपिंग हुई है तो बीबी सर का केस कभी भी खुल सकता है बीबी सर को आज अगर ट्वेंटी थर्टी इयर्स के बाद भी वन एट का नोटिस है वो इश्यू हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक चीज समझना ये नॉर्मली दो केसेस में होता है कब जब इनकम को किसी एक एस से हटा के दूसरे एस में डालना है या इनकम को एक असेसमेंट ईयर से हटा के दूसरे असेसमेंट ईयर में डालना है क्या बोला मैंने एक एस से हटा के दूसरे एस की इनकम में डालना या एक असेसमेंट ईयर से हटा के दूसरे असेसमेंट ईयर में डालना है तो ये हो सकता है करके अब एक चीज समझना मैंने क्या बोला मेरी वाइफ का केस है वो असेसमेंट एओ ने कंप्लीट किया था फिर उसको चैलेंज किया तो सीआईटी अपील आईटेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया 20 साल पहले का केस था ठीक है आज जजमेंट आया और उन्होंने बोला कि इनकम बीबी सर की है तो बीबी -बी सर का असेसमेंट आज भी खुल सकता है लेकिन एक चीज समझना जिस डेट को मेरी वाइफ का असेसमेंट कंप्लीट हुआ था जिस डेट को मेरी वाइफ का असेसमेंट कंप्लीट हुआ था क्या उस दिन मेरा केस खुल सकता था या नहीं अगर उस दिन मेरा केस खुल सकता था तो आज भी मेरा केस खुल सकता है अदरवाइज आज मेरा केस नहीं खुल सकता ठीक है एक बार मैं वापस बोल रहा हूं सपोज फॉर एन एग्जाम्पल टू थाउजेंड एंड नाइन में मेरी वाइफ का असेसमेंट कंप्लीट हुआ था टू थाउजेंड का फॉर एन एग्जाम्पल नाइन टेन में वाइफ का असेसमेंट कंप्लीट हुआ था उसको लेके हमने चैलेंज किया और आज आई का ऑर्डर आया 2020 में और आई ये बोलता है ऑर्डर में कि भैया कुछ इनकम है जो बीबी -बी सर की है For the previous year 7-8.

आपकी इनकम ज्यादा असेस हो गई थी ठीक है ज्यादा असेस हो गई थी एओ ने कुछ गलती कर दी थी और आपकी इनकम है वो ज्यादा असेस हो गई थी और अब क्या हुआ अब आपने जो टैक्स भी भर दिया था आपने कोई अपील नहीं की बहुत बार एओ क्या करते हैं पता है कोई खर्चा है वो अलाउ होना चाहिए तो भी वो डिसअलाउड कर देते तो आपके केस में ऐसा ही हुआ था आपका पहले असेसमेंट हुआ और आपकी इनकम है वो एक्सेस असेस हो गई थी एओ ने कुछ डिसअलाउड वगैरह कर दिया था जो होना नहीं चाहिए था करके ठीक है आपने टैक्स भर दिया था आपने कोई लिटिगेशन में नहीं गए लेकिन आज क्या होता है आज मान लो एओ को कोई इनकम स्केपिंग मिल जाती है तो यहां पे जब एओ को इनकम एस्केपिंग मिल जाती है और आप ये बोलते हो एओ को एक एप्लीकेशन कर सकते हो कि सर देखो हमने पहले ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट पे टैक्स भर दिया है आप अगर इनकम एस्केपिंग को भी उस टाइम जोड़ देते तो भी जो राइटली लाइबल होता उससे ज्यादा पे हमने टैक्स भर दिया है तो उस केस में उससे ज्यादा पे हमने टैक्स भर दिया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा असेसमेंट प्लीज आप ड्रॉप कर दो तो उस केस में अगर एओ को लगता है तो आपका असेसमेंट है वो ड्रॉप हो सकता है इसका बेटर समझेगा आपको तभी जब वो एग्जाम्पल देखोगे जो मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है फास्ट ट्रैक बैच रेगुलर बैच में मैंने दोनों में एक एग्जाम्पल करवा रखा है वो एग्जाम्पल देखोगे तो आपको यहां बेस्ट आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉपिंग का केस क्या था अब एक और चीज समझना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 का कंप्लीट कब तक करना है तो कंप्लीट करने का टाइम लिमिट रहेगा 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस सर्व हुआ जिस ईयर में नोटिस एंड से टेल्व मंथ के अंदर अंदर बट का टाइम लिमिट हुआ है अगर नोटिस सर्व होता है ऑन और आफ्टर वन फोर अगर नोटिस पहले सर्व हुआ था वन फोर से पहले सर्व है यहाँ पर नाइन का टाइम लिमिट रहेगा बट आप मंथ का टाइम लिमिट याद रखो ट्वेल्व मंथ

जो कंटेनिंग मिस्टेक पास हुआ था उस ईयर के एंड से चार साल के अंदर अंदर सो आई कैन से दैट कि फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वाज पास अब एक बात समझना एक ऑर्डर था जिसमें मिस्टेक था वो उसको रेक्टिफाई कर दिया और रेक्टिफाई करने के बाद क्या हुआ कि भैया नया ऑर्डर पास हुआ रेक्टिफिकेशन होगा उसमें व्हाइटनर नहीं लगाया जाएगा काटा नहीं जाएगा नया रेक्टिफाइड ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन वन अब एक चीज समझना जो रेक्टिफाइड ऑर्डर नया वाला पास हुआ उसमें भी मिस्टेक है तो क्या उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है आंसर इज यस टाइम लिमिट क्या रहेगा फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वॉज पास

इन द फेवर ऑफ असेससी मान लिया जाएगा अगर सिक्स मंथ में रेक्टिफाई नहीं होता तो डीम टू बी रेक्टिफाइड इन द फेवर ऑफ असेससी है वो मान लिया जाएगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना आपको जो रेक्टिफाइड ऑर्डर पास होता है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में उस केस में आप अपील में जा सकते हो एक और चीज समझना जब भी रेक्टिफाई करता है और डिपार्टमेंट ओन मोशन कर रहा है, है तो को एक बार दिया जाएगा, दिया जाएगा, और उसके बाद ही डिपार्टमेंट उसको रेक्टिफाई करेगा अब एक और चीज समझना क्वेश्चन आता है एसएससी ने एप्लीकेशन किया तो जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव होता है उस मंथ से सिक्स मंथ के अंदर रेक्टिफाई होगा बट क्या एर ईयर के बाद एप्लीकेशन कर सकता है आंसर इज नो एसएससी को सोर ईयर के अंदर अंदर एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से डिपार्टमेंट सिक्स मंथ के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई कर लेगा अब नेक्स्ट सेक्शन आती है वन अब एक बात बताओ इनकम टैक्स में जब भी कोई भी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में जब भी कोई भी असेसमेंट होता है और उससे कोई भी डिमांड डिमांड निकलती है तो हमेशा डिमांड नोटिस आपको आता है 156 का डिमांड नोटिस आता है और डिमांड नोटिस जिस दिन आपको आपको रिसीव होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर डिमांड पे करनी पड़ती है लेकिन एक चीज समझना इंटीमेशन से कोई डिमांड निकली है तो उसके लिए कोई भी सेपरेटली डिमांड नोटिस नहीं आता इंटीमेशन इज डी टू बी ट्रीटेड एज द डिमांड नोटिस और वो डिमांड नोटिस जिस दिन आपको रिसीव होता है उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ेगा नहीं तो आप असेसिन डिफॉल्ट माने जाओगे और जब आप असेसिन डिफॉल्ट माने जाते हो तो सेक्शन टू का आपको इंटरेस्ट लग जाता है थर्टी डे से वन पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ जिस दिन आपने पे किया उस दिन तक और आपको पेनल्टी भी लग सकती है हंड्रेड परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि लाइक किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है इसकी कोई सेक्शन नहीं है एक कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है बहुत बार क्या होता है किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर वगैरह डिस्प्यूट हो जाता है और जैसे मान लो आई कैन टेक एक्साम्पल एक बंदा है राम और एक बंदा है लखन दोनों भाई है करके ठीक है उनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसका रेंट आता है लाख एवरी ईयर फाइव लाख रुपीज का रेंट आ रहा है दोनों के बीच में झगड़ा हो गया वो बोलता है मेरी है वो बोलता है मेरी है अल्टीमेटली ऐसे केसेस में क्या होता है वो चले गए कोर्ट में और लिटिगेशन में चले गए और लिटिगेशन में कोर्ट में अपने केस बहुत लंबे चलते हैं दस साल पंद्रह साल बीस साल आपसे पूर्ण जन्म ले

लेकिन टैक्स का रिकवरी किसी से नहीं होता प्रोटेक्टिव असेसमेंट में दोनों के हाथ में इनकम को ऐड किया जाता है बट टैक्स का रिकवरी किसी से नहीं होता और जिस टाइम पे वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है तो जिसकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है जैसे राम की प्रॉपर्टी बन गई तो राम से टैक्स का रिकवरी हो जाएगा दैट इज योर प्रोटेक्टिव असेसमेंट अब एक बात समझना अपने इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन सी होती है तो मैं बता दू सबसे ऊपर रहती है सीबीडीटी सीबीडीटी के दो पार्ट होते हैं वन इज द इन्वेस्टिगेशन विंग वन इज द असेसमेंट विंग असेसमेंट विंग की बात करूं तो सबसे ऊपर सीसीआईटी सीसीआईटी के नीचे सीआईटी सीआईटी के नीचे जॉइंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के नीचे एसीडीसी और आईटीओ करके ठीक है और उसके नीचे इंस्पेक्टर टैक्स रिकवरी ऑफिसर करके ये लोग रहते हैं अब एक चीज समझना है इसमें से असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? या तो कमिश्नर एसीडीसी एसीडीसी और आईटीओ एक चीज समझना एडिशनल कमिश्नर रहता है वो ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल का ही पोस्ट होती है तो एडिशनल कमिश्नर बोलो या ज्वाइंट कमिश्नर बोलो एक ही बात है अब एक चीज समझना इन्वेस्टिगेशन विंग और होती है जिसमें सबसे ऊपर रहता है डीजीआईटी दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स उसके नीचे डीआईटी और उसके नीचे तुम्हारा जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ये इन्वेस्टिगेशन विंग होती है अब एक चीज समझना जो मैंने बोला सीआईटी सीसीआईटी

मतलब कहीं भी जाके कुछ भी ढूंढना है डिस्कवरी करना है वो कर सकते हैं दूसरी चीज वो किसी भी पर्सन को बुला के और ओथ पे ले सकते हैं मिस उसको मतलब गीता कुरान पे हाथ दिला सकते हैं किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकते हैं समन का मतलब कमीशन इशू कर सकते हैं कमीशन का मतलब किसी को पर्सनली बुलावा नोटिस नहीं नोटिस भेजा तो आप किसी को भी भेज सकते हो समन भेजा तो आपको खुद को वहां जाना पड़ता है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से वो अपने पास में में रिटेन करके रख सकते हैं डेज के लिए तो देखो बेटा वन थर्टी वन में चार पावर दे रखे पहला इंस्पेक्शन डिस्कवरी कर सकते हैं दूसरा किसी भी पर्सन को बुला के ओथ पे ले सकते हैं तीसरा किसी को भी मतलब समन भेज सकते हैं और चौथा बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवा सकते हैं और उसको अपने पास में रिटेन करके भी रख सकते हैं फिफ्टीन वर्किंग डेज के लिए उसके बाद सेक्शन वन थर्टी थ्री दट इज पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन अब एक चीज

ऑल इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो मंगवा सकती है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला 133 बोलता है पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन से किसी और से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं इवन उसका असेसमेंट पेंडिंग नहीं है तो भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं लेकिन एक बात समझना अगर असेसमेंट पेंडिंग नहीं है और सीआईटी से लोअर लेवल का कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन मंगवा रहा है तो उसको सीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी वो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है लेकिन अगर वो मान लो ज्वाइंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर और लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर मंगवा रहा है तो उस केस में उसको सीआईटी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन इज वन बी वन बी ये बोलती है कि पावर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी प्रीमाइसिस में जाके जहां पर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम वेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस जाके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आ सकते हैं में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आना मतलब आपसे जाएंगे और आपसे पूछेंगे वो इंफॉर्मेशन दो वो इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे यहां पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक नहीं करेंगे यहां पे कोई सर्वे वगैरह नहीं हो रहा है सिर्फ आएंगे एंड ये उसी प्लेस पे आएंगे जहां पे आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट हो रहा है और ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड आके और वो क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके चले जाएंगे करके ठीक है यहां बुक्स वगैरह नहीं ले जाएंगे ये पावर इस सेक्शन में नहीं है सिर्फ आके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाना नेक्स्ट सेक्शन इज वन सी वन सी क्या बोलती है जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है इन्वेस्टिगेशन विंग का मतलब होता है वो डायरेक्टर वाली पोस्ट करके ठीक है जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है इन्वेस्टिगेशन विंग अगर चाहे और उनके पास कुछ आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे स्विट्जरलैंड की बैंक से उनको बैंक अकाउंट का डिटेल मिल गया और वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने आप ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं तो यहां पे 133 सी में इन्वेस्टिगेशन विंग को ये पावर दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन है वो ये इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं तो आपको एक नोटिस भेजते हैं और आपसे और इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके अब एक चीज समझना ये क्या होता है जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपको पता है डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपके अकाउंट में जिन जिन लोगों के दस लाख से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ था उनको सबको नोटिस आया था कि कि आप ये बताओ ये बताओ कहां से आपने पैसा लाया करके ठीक है तो भैया दस लाख से जब ज्यादा डिपोजिट हुआ था उन सबसे इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी वन थर्टी सी में ही थी और अगर वन सी की इन्फॉर्मेशन उनको सही लग जाती है और लगता है कि इसके बेसिस पे आपकी इनकम स्कैपिंग वगैरह हुई है तो ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग है वो असेसमेंट विंग को हैंड कर देती है और असेसमेंट विंग है वो फिर आपके मजे लेने चालू कर देती है पावर ऑफ सर्वे अब एक चीज समझना वन थर्टी थ्री ए इज अ पावर ऑफ सर्वे ये सेक्शन ये बोलती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो कहीं पे भी जाके सर्वे कर सकती है कहीं पे भी जाके सर्वे कर सकती है अब एक चीज समझना सर्वे कहां पे होता है सर्वे नॉर्मली वहां पे होता है जहां बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी ऑन होती है जहां पे बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी ऑन होती है वहीं पे जाके सर्वे कर सकते हैं अब एक चीज समझना लेकिन अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट असट किसी और प्लेस पे रखी हुई है तो क्या वहां किसी और प्लेस जैसे मान लो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे घर पर रखी हुई है तो क्या वहां जाके भी सर्वे कर सकते आंसर इज यस अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट असेट किसी और प्लेस पे रखी हुई है तो वहां जाके भी सर्वे कर सकते है कोई दिक्कत नहीं उसको अपन एक्सटेंशन ऑफ सर्वे बोलते हैं अगर ठीक है अब एक चीज समझना सर्वे में कौन जा सकते सर्वे में कोई भी जा सकता है इनकम टैक्स ऑथोरिटी सबके पास पावर है सब सर्वे में जा सकते हैं लेकिन एक चीज समझना जेसी से लोअर लेवल का बंदा कोई भी सर्वे में जाता है तो उसको जेसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और जेसी का अप्रूवल लेने के बाद ही वो सर्वे में जा सकता है अब एक और चीज समझना सर सर्वे में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं तो सर्वे में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक कर सकते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं उसकी कॉपी ले सकते हैं उस पर एक्सट्रैक्शन वगैरह ले सकते हैं उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कर सकते हैं उसकी जेरोक्स ले सकते हैं एज वेल एज द वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके भी जा सकते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैक्सिमम अपने पास कितने दिन के लिए रखेंगे फिफ्टीन वर्किंग डेज तक अपने पास में इंपाउंड करके रख सकते हैं आपके पास जो भी असेट मिलती है वो असेट को चेक कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं उसका इन्वेंट्री बना सकते हैं लिस्ट वगैरह है वो लिस्ट बना सकते हैं लेकिन अट को सीज करके नहीं ले जा सकते

कर रहे हैं तो दे कैन एंटर ओनली

कंक्लूजन ऑफ दैट शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी शादी में जब वो डोली उठ जाती है उसके बाद में वो सर्वे कर सकते हैं उससे पहले वो सर्वे में एंटर नहीं कर सकते अगर एक बात बस समझना सर्वे में अगर कोई इनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है सर्वे में अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो तो उसके इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो क्या करते सीधा सीधा 131 का एक समन भेजते और समन भेजते और और भेज के और सीधा उसको सर्च में कन्वर्ट कर देते हैं रेड में में कन्वर्ट कर देते हैं और सर्वे में कुछ ऐसे मिल जाता है कुछ ना कुछ झोल मिल जाता है सर्वे में ठीक है तो फिर वो उसको सर्च में कन्वर्ट कर देते हैं अब एक बात समझना है, एक TDS, सर्वे और चालू है उसमें क्या होता है आपके ऑफिस में जहां पर बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्टर होता है वहां आके और वो लोग क्या करते हैं पता है वो लोग क्या करते हैं सिर्फ टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड आपके कंप्लायंस देख के चले जाते हैं दैट इज कॉल्ड टीसीएस सर्वे अब एक चीज समझना नेक्स्ट सेक्शन इज अ सर्च एंड सीजर जिसको अपन प्रैक्टिकल लाइफ में रेड बोलते हैं एग्जाम में रेड नहीं लिख के आओगे एग्जाम में सर्च एंड सीजर ही लिख के आओगे अब एक चीज समझना क्वेश्चन ये आता है रेड कब हो सकती है रेड दो केस में हो सकती है पहला तो पहला तो अगर आपको 142 1 रिया वाला नोटिस भेजा या वन थर्टी वन का समन भेजा और आपने उसको रिप्लाई नहीं किया या फिर आप उसको कंप्लाई नहीं करोगे मिस मैंने क्या बोला वन फोर्टी टू वन का नोटिस भेजा या वन थर्टी वन का समन भेजा आपने उसको कंप्लाई नहीं किया या फिर अगर भेजते तो आप उसको कंप्लाई नहीं करते तो उस केस में रेड हो सकती है करके ठीक है या फिर आपके पोजेशन में ऐसा कोई मनी बुलियन ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है जिसको आपने इनकम टैक्स में डिस्कलोज नहीं किया या फिर जिसको आप डिस्कलोज नहीं करोगे तो उस केस में रेड हो सकती है अब एक और चीज समझना आप लोग

के केस में वारंट इश्यू होता है और ये वारंट इश्यू करने का पावर किसके पास है बहुत हायर लेवल की अथॉरिटी सबसे ऊपर सीसीआईटी सीआईटी सीसीआईटी सीआईटी पीसीआईटी पीसीसीआईटी डीआईटी डीजीआईटी पीडीआईटी पीडीजी सिर्फ ये आठ लोग हैं यही सर्च वारंट और रेड वारंट है वो इशू कर सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज समझना ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट डायरेक्टर एडिशनल कमिश्नर एडिशनल डायरेक्टर ये भी सर्च वारंट इशू कर सकते हैं अगर इनको सीबीटीटी ने एमपावर किया है तो ये लोग भी कर सकते हैं अब एक और चीज समझता जब भी ये रेड करने जाते हैं इनके पास पावर क्या होता है सबसे पहला पावर है कि वो किसी भी जगह पर किसी भी प्लेस पर किसी भी बिल्डिंग में किसी भी शिप में किसी भी व्हीकल में किसी भी वेसल में किसी भी एयरक्राफ्ट में

आपने बुक्स ऑफ आप अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाई हुई है तो उस केस में वो आपसे पासवर्ड वगैरह मांग सकते हैं और आपको उनकी हेल्प वगैरह भी करनी पड़ेगी उसके बाद में जो भी वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलता है उसको चेक कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कर सकते हैं कॉपी ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं एज वेल एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जा भी सकते हैं यहां तुम्हारा 15 डेज वाला टाइम लिमिट नहीं है कितने भी टाइम अपने पास रख सकते हैं और आपके पास जो भी मनी बुलियन ज्वेलरी यानी इधर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिलता है वो सबको चेक कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं इन्वेंट्री बना कर सकते हैं और सीज करके ले जा सकते हैं देखो यहाँ पे सीजर हो रहा है यहाँ पे असेट्स को वगैरह ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक चीज समझना यहाँ स्टॉक एंड ट्रेड को नहीं ले जाएंगे जो भी असेट मिलेगी वो सबको ले जा सकते हैं लेकिन ध्यान रखना स्टॉक इन ट्रेड को ये लोग कभी सीज नहीं कर सकते स्टॉक इन ट्रेड को अगर सीज करेंगे तो उस केस में आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड स्टॉक है वो फिर स्टॉक नहीं है अनरिकॉर्डेड स्टॉक है वो तुम्हारा स्टॉक नहीं है वो ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना जब भी रेड होती है किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाता या किसी भी बिजनेस क्रिमाइसिस को सील्ड नहीं किया जाता है ठीक है अब एक और चीज समझना दो तीन तरह के सीजर होते हैं एक तो सीजर होता है तुम्हारा फिजिकल सीजर मिस असेट को सीज करके ले जाते सीजर। एक होता है weight, volume, quantity, तो उसके जिस पर्सन की पोजिशन में वो अट होती है उसको बोला जाता है कि जब तक हम ना बोले इस असेट को कहीं मूव नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड डीम सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर ऐसा कब होता है जैसे मान लो कहीं पर रेड हुए और वहां आरडीएक्स मिल गया तो भैया डिपार्टमेंट आरडीएक्स कहां लेके जाए को लगता है ब्लास्ट हो जाएगा आरडीएक्स लेके गए तो उस केस में क्या होता है जिस पर्सन के पास में वो असेट है उसको एक ऑर्डर दिया जाता है करके ठीक है उसको एक ऑर्डर दिया जाता है करके ठीक है कि जब तक हम ना बोले इस असेट को तू कहीं और मूव नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड डीम सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर अब एक और चीज होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेन और प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या होता है कभी कभी किसी असेट को सीज करना पॉसिबल नहीं है कभी कभी किस एसेट को सीज करना पॉसिबल नहीं है बट यहां पे रीजन वो वेट वॉल्यूम नेचर क्वांटिटी वाला नहीं है कोई और ही रीजन है जैसे मान लो आई कैन टेक एग्जाम्पल मेरे घर पे रेड हुई और मेरी वाइफ के गले में एक नेकलेस है करके ठीक है वो वाइफ बोलती है उसी का लेकिन मान लो वाइफ को ऐसा लग रहा है कि ये बीबी -बी सर का नेकलेस है समथिंग लाइक दैट उसको कोई शक है तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्सन को एक ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेंट दिया जाता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक हम ना बोले इसके साथ आप डील नहीं करोगे लेकिन ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर की वैलिडिटी मैक्सिमम सिक्सटी डेज की होती है सिक्सटी डेज बाद ये ऑटोमेटिकली

जो भी आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह उसका माना जाएगा। ये बड़ी लिखी हुई लग रही है या किसी ने साइन किया हुआ अटेस्टेड किया हुआ ऑथोराइज किया हुआ लग रहा है यह मान लिया जाएगा वो उसी ने ऑथोराइज किया है उसी ने साइन किया उसी ने अटेस्टेड किया है अब एक और चीज समझना वन सॉरी वन थर्टी टू नाइन ए ये क्या बोलता है कि बेटा एक चीज समझना

अटैच कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है ये इनिशियली सिक्स मंथ के लिए होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वेकेटेड हो जाएगा अगर वापस करना है तो वो कर सकते हैं बट नॉर्मली ये सिक्स मंथ के लिए वेकेटेड होती है मतलब अटैच होती है सिक्स मंथ के बाद में ये वेकेट कर सकते हैं रिक्वेजेशन क्या होता है देखो मेनी टाइम ये होता है कि सर्च इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं किया सर्च जैसे मान लो किया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है आरबीआई ने किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया ईडी ने किया है, बाकी लोगों ने सर्च किया है या फिर सर्च इनकम टैक्स वालों ने किया है लेकिन कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स असैट है वो किसी अदर अथॉरिटी के पास में है तो यहां इनकम टैक्स अथॉरिटी उनको बोलती है कि भैया अगर तुमने इनके मजे ले लिए हो एस के तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट असट है वो हमको हेंड कर दो तो हम इनके मजे लेना चालू कर देते हैं दैट इज कॉल्ड रिक्विजेशन नेक्स्ट सेक्शन इज वन थर्टी टू सर जो भी सर्च होता है जब रेड होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेट लेके जाते हैं उसका क्या होता है तो मैं बता दूं सबसे पहली चीज जब भी रेड होती है तो रेड के केस में आपका असेसमेंट होगा 153 ए में देखो सर्वे और रेड में फर्क है सर्वे जो होता है ना उसके बाद असेसमेंट होगा कोई जरूरी नहीं बट सर्च हुआ है तो असेसमेंट होगा हो ही होगा और वो भी ब्लॉक असेसमेंट होगा करके ठीक है असेसमेंट होगा हो ही होगा और वो भी ब्लॉक असेसमेंट होगा अब एक चीज समझना सर्वे के केस में एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है रेड के केस में कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है रेड के केस में कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं रात को तीन बजे भी जा सकते है. आपको पता है प्रियंका चोपड़ा के घर पे सुबह रेड हुई थी पांच बजे और शाहद कपूर वहीं पे मिला था और शाह कपूर ने बोला वो अभी आया था करके ठीक है आई डोंट नो बट ऐसा कुछ हुआ था आपको याद रहेगा तो हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं तो देखो रेड के लिए कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं सर्वे के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है ठीक है सर्वे में असट को सीज नहीं किया जाता रेड में अट को सीज किया जाता है करके ठीक है सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज कर सकते हैं इंपाउंड कर सकते हैं पंद्रह दिन के लिए यहां पर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है अब एक चीज समझना सर्च में जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसेट लेके जाते हैं, उसका होता क्या है तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केस में यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जैसे ही आपका 153 ए का असेसमेंट कंप्लीट होगा 153 ए का असेसमेंट कंप्लीट होगा उसके 60 डेज के अंदर-अंदर एक बार असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद सॉरी नॉट 60 इट्स बेसिकली 30 डेज नॉट 60 डेज तो देखो बेटा जैसे ही आपका 153 फिफ्टी थ्री ए में असेसमेंट कंप्लीट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर एओ जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हैंड ओवर कर देगा असेसमेंट कंप्लीट हुआ 153 फिफ्टी थ्री ए में उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट हैंड ओवर कर देगा बट अगर एओ चाहे तो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अपने पास रख सकता है लेकिन उसको उसके पहले सीआईटी सीआईटी का वगैरह परमिशन लेना पड़ेगा असट का क्या होगा

तो मैं बता दूं जब भी रेड होती है तो जिस इयर में सर्च चालू हुआ जिस इयर में रेड चालू हुआ जिस ईयर में रेड चालू होती है जैसे मान लो सर्च चालू हुआ 19 जुलाई 2019 को 19 जुलाई 2019 को तो दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 तो प्रीवियस ईयर 1920 इज बेसिकली करंट ईयर जिस ईयर में सर्च चालू हुआ रेड चालू हुआ दैट इज द करंट ईयर उस ईयर को छोड़ दो उसके पिछले छह साल के आपसे रिटर्न मंगवाए जाएंगे उसके पिछले जो सिक्स ईयर है वो सिक्स ईयर के आपसे रिटर्न मंगवाए जाएंगे पिछले छह साल के कितने पिछले छह साल के आपसे रिटर्न मंगवाए जाएंगे लेकिन एक बात बताओ एओ है वो टेन ईयर के रिटर्न भी मंगवा सकता है मीन छह साल से बियॉन्ड भी जा सकते हैं बट मैक्सिमम टेन ईयर्स लेकिन ये छह साल से बियॉन्ड कब जा सकते हैं पता है अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहली कंडीशन आपका रेड हुआ है वो वन फोर टू थाउजेंड में हुआ है दूसरी कंडीशन उन जो चार साल है उसमें से किसी साल या चारों साल में मिला के अगर आपका इनकम एस्केपिंग है वो फिफ्टी लैक या मोर है और जो इनकम एस्केपिंग है ना वो इनकम एस्केपिंग इन द फॉर्म ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर एंड सिक्योरिटी लोन एंड एडवांस एंड डिपोजिट इन द बैंक के फॉर्म में है तो बेटा ये सिक्स ईयर के बियॉन्ड भी जा सकते हैं बट नॉट बियॉन्ड द टेन ईयर यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझना जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा वन ए का उसमें आपको सिक्स ईयर या टेन आप हैं आपको ये रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे अब जैसे ही आप रिटर्न फाइल करोगे तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा बताए लास्ट सिक्स ईयर और टेन ईयर जो भी है उसका जो असेसमेंट करेगा वो 153 ए में करेगा और जिस ईयर में सर्च चालू हुआ था उस ईयर का असेसमेंट है वो आपका वन फोर्टी या वन में कंप्लीट कर देगा अब एक और चीज समझता सर अगर मान लो पिछले वाले जो ईयर है सिक्स ईयर और टेन ईयर वट एवर सिक्स ईयर बट मैक्सिमम टेन ईयर अब ये जो है ईयर year, इन ईयर में अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है असेसमेंट पेंडिंग है तो वो असेसमेंट अबेट हो जाएगा अबेट का मतलब होएगा रुक जाना रुक जाना जानम रुक जाना तो वो असेसमेंट रुक जाएगा और उस ईयर का वन ए में ही असेसमेंट होगा लेकिन अगर आपकी कोई अपील चल रही है तो अपील है रेफरेंस है रिविजन है वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा बट पार्शियल मर्जर का सिद्धांत यहां पे लगेगा और जो पार्ट आगे असेसमेंट में चल रहा है वो चल रहा है बट बाकी वाले पार्ट पे आपका वन ए में असेसमेंट

असेसमेंट अगर मान लो रेड किसी एक पर्सन पे हुई है रेड किसी एक पर्सन पे हुई है जैसे मान लो मेरे पे रेड हुई है

अहमदाबाद का जो एओ था उसको पता चला अहमदाबाद का जो एओ था उसको पता चला कि वो ये असेट मामा की है वो मामा का रिटर्न वगैरह देखेगा मामा ने रिटर्न में वो असैट बताई है नहीं अगर बताई है तो मामा को हैंड कर देगा मामा का कुछ नहीं होगा बट मान लो उस असेट की वजह से मामा की भी इनकम एस्केपिंग वगैरह हुई और मामा ने झोल किया है मामा भी मान लो चोर है तो उस केस में क्या होगा करके ठीक है उस केस में क्या होगा कि वो असेसिंग ऑफिसर है वो मामा को भी लास्ट के सिक्स ईयर या टेन ईयर्स के रिटर्न मंगवाएगा और मामा का भी भैया वन फिफ्टी थ्री एम असेसमेंट है वो कंप्लीट करेगा अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर असेसमेंट असेसमेंट कंप्लीट कब तक होगा मेरा जो असेसमेंट है वो मेरा असेसमेंट असे है वो मेरा असेसमेंट कंप्लीट है वो कंप्लीट कब तक होगा करके ठीक है तो मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं असेसमेंट कंप्लीट कब तक होगा मिस लास्ट सिक्स ईयर का लास्ट सिक्स ईयर और मैक्सिमम टेन ईयर्स एंड करंट ईयर का लास्ट सिक्स ईयर और मैक्सिमम टेन ईयर एंड करंट ईयर का मेरा जो असेसमेंट कंप्लीट होगा वो असेसमेंट कंप्लीट होगा विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड मींस जिस ईयर में रेड कंप्लीट हुई थी उस ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर जिस ईयर में रेड कंप्लीट हुई थी उस ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अगर आ, बात समझना जो रेड हुई थी वो रेड फाइनेंशियल ईयर 1819 में हुई थी तो ये टाइम लिमिट 18 मंथ है अगर मान लो रेड 1819 से

अंदर विच एवर इज लेटर रहेगा मींस मेरा जो मेरी जो सर्च कंप्लीट हुआ था उस ईयर के एंड से ट्वेल्व मंथ और मामा के एओ को अट हैंडओवर हुई उस ईयर के एंड से ट्वेल्व मंथ विच एवर इज लेटर है उसमें असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा मामा का भी लास्ट सिक्स ईयर टेन ईयर एंड करंट ईयर का अब एक बात समझना जब भी सर्च होता है तो असेसमेंट हमेशा बड़ा ऑफिसर करता है दैट इज द ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल का ही बंदा असेसमेंट कंप्लीट करेगा उससे लोअर लेवल का बंदा असेसमेंट कंप्लीट नहीं करेगा लेकिन अगर मान लो ज्वाइंट कमिश्नर परमिट करता है तो उससे छोटे लेवल का बंदा भी असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है अब एक और चीज समझना जिस

मेनी टाइम क्या होता है असेसमेंट हो रहा होता है और उसके बीच में आपका केस वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाता है या स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे देते हैं या इंडिया के बाहर से इंफॉर्मेशन मंगवाने में टाइम चला जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो केस भेजता है एओ करके ठीक है कि आपकी एग्जामिशन विद्रॉ होनी चाहिए यानी उसमें टाइम खराब हो जाता है तो मैं बताऊं जहां जहां टाइम खराब हो जाता है या अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चले जाते हो सेटलमेंट कमीशन में वहां जाके वहां पर अबेट हो जाती है चीजें तो क्वेश्चन आता है जितना टाइम एओ को खराब होता है जितना टाइम खराब होता है उतना टाइम एओ को एक्सटेंड हो जाएगा उतना टाइम एओ को एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना एक्सटेंशन के बाद भी जो एओ है एओ को अगर 60 डेज से कम टाइम मिलता है तो एओ को मिनिमम 60 डेज का टाइम है वो दिया जाएगा अब एक और चीज समझना लास्ट सेक्शन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर 192 बीबी 192 बीबी ये बोलती है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस टाइम पे नहीं भेजा था या नोटिस वगैरह प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भेजा था नोटिस टाइम पे नहीं भेजा था प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भेजा था और कुछ मतलब डिफेक्ट था नोटिस वगैरह में लेकिन एस ने डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कर दिया और असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया जैसे मान लो स्क्रूटनी में नोटिस सिक्स मंथ में सर्व होना चाहिए सिक्स मंथ के बाद हुआ था लेकिन एस ने डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कर दिया और असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया अगर असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आप चैलेंज नहीं कर सकते तब यह माना जाएगा कि नोटिस आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में भेजा था में भेजा था सब चीजें एकदम सही थी इसको चार पांच बार एक बार आप सुनोगे और इसको रीड भी करोगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी और बेस्ट वे आप इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते रहो और क्वेश्चन करोगे तब आपको टाइम लिमिट वगैरह वो सब आपको याद हो जाएगी यू गॉट माई पॉइंट अब मैं हर रोज बोलता हूं कि लाइक पढ़ाई वढ़ाई करो ठीक है पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीजें हैं वो भी किया करो अपना खुद का ध्यान रखो अपनों का ध्यान रखो आपके जो भी करीब लोग हैं उनका ध्यान रखो और आजकल बहुत ज्यादा वो सब चीजें चल रही है हाथ हाथ रहो धोते रहो करके सैनिटाइजर यूज करो वो सब चीजें करो बट अल्टीमेटली आपको जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो करनी है पढ़ाई करते रहो करके ठीक है और ये जो अटैम्प है ये अपने लिए लास्ट अटैम्प होना चाहिए इसके बाद हम एग्जाम नहीं देंगे और मैं बता दूं इंटरनल इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिजल्ट अच्छा रखने वाली है ये जो अटैम्प है जो एग्जाम आप दे रहे हो इसमें शानदार वाला रिजल्ट रहने वाला है और ये ध्यान रखना इसी में अपने को पास होना है इसी में अपने को पास होना है बिकॉज सी बनने के बाद जैसा अपन ने सोचा हुआ अपन बहुत मजे करेंगे ठीक है घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे मजे करेंगे उसके बाद कभी नहीं पढ़ेंगे दो साल तक दो तीन साल तक तो पढ़ेंगे नहीं जो आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना है वो पहले पास हो जाएंगे सी उसके बाद करेंगे बाकी नहीं करेंगे तो भी चलेगा बट आपको सी बनना है करके ठीक है बिकॉज ये बन गए सी तो यहीं से लाइफ की शुरुआत होती है जो आपके सपने हैं वो सपने तभी पूरे हो सकते हैं उसके लिए एक 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 स्टेप है ये कि जैसे ही ये पास हो गए तो अपना आगे के स्टेप है वो चालू होंगे ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है बहुत सुना आज आप लोगों ने मेरे को ठीक है चलो थैंक यू पीपल आज के लिए इतना बहुत है